बात सबसे पहले बड़ी खबर की कोरोना की बात कर लेते हैं, जिसने एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 24 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में पूरे देश में कोविड-19 से 3,293 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2,61,000 से ज्यादा लोग हालांकि स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं, जो कि राहत की बात है, लेकिन बढ़ते आंकड़े ये परेशानी का सबब। 24 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा नए मामलों का सामने आना, ये परिस्थिति अपने आप में गंभीर है। हालांकि तमाम तरह के कदम अलग अलग राज्यों की सरकारें उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वक्त की संजीदगी को समझें। आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर उन तमाम राज्यों में जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनमें महाराष्ट्र, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ सरीखे राज्य शुमार हैं। हालांकि एक संतोषजनक बात ये जरूर है कि 2,61,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है, जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि इस वक्त इलाजरत हैं, जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग हिस्सों में।